नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव पर। और फिलहाल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़ी कवरेज लगातार एसके लाइव पर अभी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसी दौरान हम विधान मार्केट में कुछ कार्यक्रम पूरा करके पहुंचे थे पानी टंकी मोड़ के बगल में, जहां पर हमें इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर ये मिली है। हम खड़े हैं नील नलिनी विद्या मंदिर, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके ठीक सामने। यहाँ पर पानी टंकी मोड़ है, सीधे सामने ट्रैफिक पुलिस बैठे रहते हैं, और यहीं से जहां इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे से, यहीं से एक व्यक्ति का दो पहिया वाहन बाइक चोरी हो गया। अभी थोड़ी देर पहले उस व्यक्ति का कहना है कि उसने बाइक को यहां रखा, और क्योंकि ये जो सेवक रोड और विधान रोड का इलाका है, यहां काफ़ी ज़्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है, तो इस स्थिति की वजह से उसने बाइक यहाँ पर रखा और वो पैदल चल कर गया गुरुद्वारे तक, वापस आया। 15 मिनट का ये जो समय था, इसी के बीच उसकी बाइक चोरी हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त सामने कि बिल्कुल इसके ठीक सामने में सिलीगुड़ी का एक पॉइंट है, पानी टंकी मोड़, जहाँ पर काफ़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस बैठी रहती है। तो अगर ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि पुलिस के नाक के नीचे से बाइक चोरी करके चोर चले गए। प्रशासन इस तरफ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये सोचने और समझने की बात है कि अगर ट्रैफिक पुलिस से 50 मीटर की दूरी पर कोई बाइक रखी हुई है और वो चोरी हो जाती है, तो प्रशासन किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है तमाम लोगों को। ऐसा बहुत बहुत खास पॉइंट है, क्योंकि हम लोग आगे भी जाएंगे, देखेंगे। फिलहाल तो वो काफ़ी जो जिनकी बाइक है काफ़ी परेशानी की स्थिति में है। अगर वो कुछ बताना चाहें कि किस तरह से क्या पूरा का पूरा माजरा है, यहीं पर रखी हुई थी वो बाइक और यहीं से वो बाइक चोरी हो गई है, और पुलिस जो है यहाँ ठीक सामने, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सामने, ट्रैफिक पुलिस लगातार सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर बैठी रहती है, और नाक के नीचे से चोर बाइक चोरी करके लेके चले गए ट्रैफिक पुलिस के ही सामने से, और यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादा, क्या हुआ था, कुछ बताएंगे? हिंदी में बोले, बंगला में आप जिसमें कंफर्टेबल हैं बोलिए। बंगाली में बोलते हैं हम। আমি এখানে আসছিলাম। আগে বাইকের নাম্বার কি ছিল সেটা বলুন। বাইকের নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাকার গাড়ি, আমি সেরকম করে খুব একটা চালাই না, আজকে দরকার পড়েছে তাই আর কি এখানে এসেছিলাম। ঠিক আছে, আমি বাড়িতে গাড়িটা নরমালি এখানে এসে রাখলাম, আমি যাওয়ার সময় হ্যান্ডেল লকটা দেখেও গেলাম। ঠিক আছে, আমি এখানে একটা গাড়ি নরমালি রাখা আছে স্প্লেন্ডার, ঠিক সামনেই রেখেছি, আর আমার গাড়িটা এখানে, যখন আমি এখানে গাড়ি রেখে তখন দুটা গাড়ি থাকে, এই স্প্লেন্ডার আমার একটা স্প্লেন্ডার। তো আমি এখানে একটা কাজের জন্য যাই গুরুদুয়ারার ওখানে, তো এসে দেখি গাড়িটা নেই। তো এখন এটাও হতে পারে যে চুরি হয়ে গেছে, আর এটাও হতে পারে যে যার এই গাড়িটা সে নিয়ে যেতে পারে, কারণ দুটার মধ্যে কোনটা হচ্ছে সেটা বলাটা খুব মুশকিল। কিন্তু এখন যদি কেউ এটা ভুলবশত নিয়ে গিয়েও থাকে, তো সে তো বুঝবে না, গাড়ি চালালে, তার নিজের গাড়ি চালালে তো বুঝবে যে না ভাই, এটা আমার গাড়ি, এটা অন্য কারোর গাড়ি হতে পারে। দোনো গাড়িও কা কালার একই জ্যাসা, একই জ্যাসা থা, সিফ এক ডিফারেন্স থা কি এক ইয়াহ পে রাবার ব্যান্ড থা, ইসকা ইয়াহ পে নেই হ্যায়। ठीक है, और एक डिफरेंस भी है, उसका गार्ड है यहाँ पे, मेरा उसका डबल गार्ड है, मेरा डबल गार्ड नहीं था। अभी भी आप कयास लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ हो? ऐसा हो सकता है। फिलहाल पुलिस में FIR वगैरह आपने करवा दिया? चाचा का नाम पे गाड़ी है, वही करवाने। सामने, बिल्कुल सामने ही यहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट है, यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक ट्रैफिक पुलिस बैठे रहते हैं। बात किया इन लोगों से आप? हाँ, हमने बात किया उन लोग, अभी तो यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना, तो आउटपोस्ट जाने के बोला फिजिक्स वाले, उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे उनके 50 मीटर दूर है। ऐसा नहीं बोला, वो नंबर वगैरह पूछे, सब कुछ पूछे कि कहाँ पे रखा, कितने बजे तक रखा, तो वो सब बताया। उसके बाद बताया कि एक काम करो, सामने आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट में जाओ, वहाँ पे FIR लिखो, लिखित शिकायत दर्ज कीजिए, यही पुलिस ने कहा आपसे? यही कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वो पीड़ित थे जिन्होंने, जिनकी गाड़ी जो है इस वक्त गुम हुई है पानी टंकी मोड़ के ठीक बगल से, और सामने ही पुलिस हैं, हम वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, और क्या उनका जो कहना है इस तमाम मुद्दे पर वो आपको बताएंगे। पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं इस वक्त तैनात यहाँ पर पानी टंकी मोड़ में, उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ट्रैफिक कैमरा जो लगे हुए हैं उनकी पकड़ सेवक रोड पे, विधान रोड पे 50 से 60 मीटर तक की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो अगर किसी गली में चोरी होती है तो उनके लिए CCTV कैमरा फुटेज से ये जान पाना कि किस तरह से किसने की है चोरी, ये करीब करीब असंभव है। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बताया कि प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है ये जानने में कि यह घटना
को आखिर किस तरह से अंजाम दिया गया। आगे भी इसकी इस घटना से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर, डियर लॉटरी। मैडम, घुटने में प्रॉब्लम है, करेक्ट? सीढ़ी चढ़ने में और उतरने में प्रॉब्लम लग रहा है आपको, करेक्ट? ही शोड हर एक्सरे आल्सो, बेस्ड ऑन एविडेंस इज डायग्नोस्ड ओएनई, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। एंड 3, 2, 1 गो। परफेक्ट। एंड परफेक्ट। कैसा लग रहा है? आनंदा आनंदा। थोड़ा वॉक करिए।